Hello everybody, welcome back to the channel and welcome back to another video of revision through our keynotes. तो आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन कीनोट्स के पीडीएफ आपको t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. anandmani.com वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं और आप हमें anand_money16 इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें. तो चलिए फटाफट से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को की नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में? बात करेंगे न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है इन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुली. नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. पूरा नर्वस सिस्टम कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं. एक न्यूरॉन का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर गिवन है. न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी जिसे आप साइटोन कहते हो, विच इज़ दिस पार्ट. फिर आपके पास आता है, जिस साइटोन या सेल बॉडी में इंक्लूडेड होता है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एंड निसल्स ग्रैन्यूल्स, जो कि फ्रेगमेंटेड आरईआर या राइबोसोम्स के बने हुए हैं. इस पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन आता है, फ्रेगमेंटेड आरईआर. नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है डेंड्रोन. डेंड्रोन शॉर्ट फाइबर्स हैं जो साइटोन से प्रोजेक्ट करें और इनके सब ब्रांचेस को आप कहते हो डेंड्राइट्स. इनका काम होता है इंपल्सेस को टुवर्ड्स द साइटोन भेजना. थर्ड पार्ट आपके न्यूरॉन के अंदर आता है एक्सोन. एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है जो कि इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी भेजता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी भेजता है. इनकी भी ब्रांचिंग होती है जिन्हें हम एक्सोनाइट कहते हैं. एक्सोनाइट एंड करते हैं तो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें साइनेप्टिक नोब कहा जाता है, जो कि इस डायग्राम में यहाँ पर आपके सामने गिवन. न्यूरॉन्स के भी टाइप होते हैं, तो तीन तरीके के न्यूरॉन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन. अगर एक ही एक्सोन हो, कोई डेंड्रॉन ना हो, तो उन्हें हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं और ये हमें मिलते हैं एम्ब्रियो में. अगर एक एक्सोन हो और एक डेंड्रॉन हो साइटोन के साथ, उन्हें हम कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, जो कि हमें मिलते हैं रेटिना में. मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सोन के साथ टू या टू से ज़्यादा डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन ही मिलते हैं. उसके सिवा हम शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की बात भी करते हैं, जिनके अंदर साइटोन से एक ही एक्सटेंशन निकलती है पर वो बाद में जाकर स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा अपीयरेंस होता है कि दो ब्रांचेस वहां पर प्रेजेंट है, बट एक्चुअली एक ही प्रेजेंट होती है. इन्हें हम शूडो यूनिपोलर बोलते हैं, जिसको हम डोर्सल रूट गैंग्लिया में पढ़ते हैं. टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बाद आपके पास आ जाते हैं टाइप ऑफ एक्सोन्स. तो दो तरीके के एक्सोन्स के बारे में हम बात करते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन. माइलिनेटेड एक्सोन वो होते हैं जहां पर श्वान सेल एक्सोन के बाहर एक माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं. ऐसा आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलता है. माइलिन शीथ की वजह से वो एरिया वाइट कलर का हो जाता है और ऐसी नर्व फाइबर्स की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं. दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उन्हें हम नोड्स ऑफ फ्रेनवियर कहते हैं. नॉन माइलिनेटेड एक्सोन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट है बट माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है. माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो एरिया ग्रे कलर का है और बिना माइलिन शीथ वाले ऐसे मैटर को आप क्या बोलते हो, ग्रे मैटर बोलते हो. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन नर्व फाइबर्स में जो आपके ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बनाते हैं. टाइप ऑफ एक्सोन्स के बाद हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है और फिर उस नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है. तो जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है. इसे हम तीन स्टेप में पढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 mV. तो ये किस तरीके से -70 mV मेंटेन रहता है और एक्सोन के अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है. तो न्यूरल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है फॉर आयन चैनल्स. रेस्टिंग न्यूरॉन की अगर आप बात करते हो तो उस टाइम न्यूरॉन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा. उस टाइम पे आपके एक्सोन की मेम्ब्रेन परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए ज़्यादा और इनपरमिएबल होती है सोडियम आयन्स के लिए, जिसकी वजह से
सोडियम की एंट्री नहीं होती एंड इनसाइड द एक्सोप्लाज्म नेगेटिव रहता है. ऑल्सो ये मेम्ब्रेन इनपर्मिएबल हो जाती है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द एक्सोप्लाज्म ताकि एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहे. देयरफॉर कंसेंट्रेशन ऑफ, इसको हटा देंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन एक्सोप्लाज्म इज हाई एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो. अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मेंटेन रहता है. द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, जिसकी वजह से एक आयनिक या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम में. ये जो आयनिक ग्रेडियंट है इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास होता है सोडियम पोटेशियम पम्प. सोडियम पोटेशियम पम्प क्या करते हैं, तीन सोडियम को बाहर की तरफ फेंकते हैं और टू पोटेशियम की एंट्री होती है, टू पोटेशियम आयन्स की एंट्री होती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से आउटर सर्फेस कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इनर सर्फेस कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज. और यही हमको चाहिए होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम. ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसी से रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक रेस्टिंग पोटेंशियल आता है. सेकेंड स्टेप आता है आपके पास एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन. तो एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के लिए सबसे पहले आप स्टिमुलस अप्लाई होगा. जो साइट ए है वहाँ की मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए. रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, पोलैरिटी में रिवर्सल होता है उस साइट पे. बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है. इसे ही हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ है डीपोलराइजेशन की वजह से, उसे ही आप एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहते हो. नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है तो थर्ड पॉइंट आता है इस एक्शन पोटेंशियल को प्रोपोगेट करना. तो जो साइट ए के बाद वाली साइट थी, जिसे आप साइट बी कहते हो, वहां पर अभी भी आउटर सर्फेस पॉजिटिव है और इनर सर्फेस नेगेटिव है. तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम साइट ए टू साइट बी. और आउटर सर्फेस की बात करोगे तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम साइट बी टू साइट ए, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से. इसी मूवमेंट की वजह से सर्किट कंप्लीट होता है, पोलैरिटी रिवर्स होती है. अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो चुका है, साइट बी पे हो चुका है, और एक्शन पोटेंशियल ए से साइट बी पे आ गया है. द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड अलोंग द एक्सोन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड, इसी के थ्रू पूरी इम्पल्स आपकी कंडक्ट होती है. द राइज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, इट इज क्विकली फॉलोड बाई अ राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन. यानी डीपोलराइजेशन के बाद क्विकली रीपोलराइजेशन होता है, इमीडिएटली डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन. इसे हम पढ़ते हैं रीपोलराइजेशन में, ताकि आपका फाइबर फिर से रेडी हो जाए एक नए नर्व इम्पल्स को लेने के लिए, और इसके थ्रू आपका एक्शन पोटेंशियल पूरी पूरी एक्सोन के अंदर ट्रांसफर करता है. एक्सोन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. यानी एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर भी अब हम एक्शन पोटेंशियल देने की बात करेंगे. तो साइनेप्स हम किसे कहते हैं, फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स को हम लोग साइनेप्स कहते हैं. दो तरीके के साइनेप्स आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिक साइनेप्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो न्यूरोन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. वो बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसलिए जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर जाता है उसी तरीके से जैसे एक एक्सोन के अंदर करता है. इलेक्ट्रिक साइनेप्स हमेशा ज्यादा फास्टर होते हैं पर बॉडी में बहुत रेयर होते हैं. केमिकल साइनेप्स की बात कर लेते हैं. केमिकल साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस फ्लूइड फिल्ड होता है, उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. प्री साइनेप्टिक रीजन के अंदर जो नोब्स थे, स्वेलिंग होती है आपके एक्सोन की, जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, जैसा कि हमने पहले देखा था, उसके अंदर फिल्ड होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे एसिटिलकोलीन एंड एड्रेनालिन. तो जैसे ही आपका इंपल्स केमिकल साइनेप्स में आता है, सबसे पहले इंपल्स एक्सोन टर्मिनल पे आता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स बाइंड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज हो जाते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर. फिर वो कंबाइन करते हैं उन रिसेप्टर से जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे, और उनके कंबाइन करने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आयन्स की एंट्री होगी, वहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो एक्शन पोटेंशियल न्यू न्यूरोन में जाएगा. न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके का है उसके बेसिस पे एक्शन पोटेंशियल भी दो तरीके की हो सकती है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी. उसके बाद
ये समझने के बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में या फिर न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है बच्चे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी सारी नर्व फाइबर्स आ जाती हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड है क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियम में, जिसे आप ब्रेन बॉक्स बोलते हो। डायरेक्टली ब्रेन के बाहर थ्री लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं या ब्रेन की मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेनिंजेस की अगर आप बात करो तो आउटर टू इनर थ्री लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, जिसे हम DAP से याद रखते हैं। एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जो किसके बीच में प्रेजेंट है, पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में। इसमें फिल्ड होता है CSF, जिसे आप बोलते हो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF शोक अब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है, शोक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है, और जो भी आपकी ब्रेन की वेंट्रिकल्स होती हैं उनमें भी CSF फिल्ड होता है। ब्रेन के बारे में फर्दर बात करेंगे तो थ्री डिविजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। शुरू करते हैं फोर ब्रेन से, जिसे हम प्रोसेन्सेफेलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन एंटीरियर पार्ट बनाता है, इसके अंदर मेजरली सेरिब्रम और डायन्सेफेलॉन आते हैं, वैसे हम ऑल्फैक्टरी लोब की भी यहाँ पर बात करते हैं। सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं जो आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम से आपको कई बार कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सेरिब्रम के आउटर पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रूव्स और रिजेस प्रेजेंट होते हैं, कन्वल्जन जिसे आप रिजेस बोलोगे, और डिप्रेशंस जिन्हें हम ग्रूव्स बोलते हैं। और ये मिलकर मेजरली क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स नहीं होते। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर वाइट मैटर है, यानी वहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है हम देख लेते हैं। मोटर एरिया है वहाँ पे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मसल्स की। सेंसरी एरिया भी है वहाँ पे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए। मोटर और सेंसरी एरिया के सिवा आपको वहाँ एसोसिएशन एरिया भी मिलेगा, क्योंकि ना कम्प्लीटली सेंसरी होता है ना मोटर होता है, वो वहाँ पर इंटर सेंसरी एसोसिएशन बनाता है, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पार्ट हम फोर ब्रेन में पढ़ते हैं वो आता है हमारे पास डायन्सेफेलन। डायन्सेफेलन के तीन पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, जिसमें से आपको दो को ही मेजरली पढ़ना होता है। तो थैलेमस क्या होता है उससे शुरू करते हैं। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड आपका सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या रिले स्टेशन की तरह बिहेव करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस। थैलेमस के जो बेस पर प्रेजेंट होता है उसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारे एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम कर पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके सिवा थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, इमोशंस को हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स डायरेक्टली भी बना रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है थ्रू रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। उसके सिवा स्लीप वेक साइकिल, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट्स की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर कुछ डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे एमिग्डाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे आप कहते हो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रेगुलेट कर रहा है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियर। लिम्बिक सिस्टम से भी आपको हाइपोथैलेमस की ही तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फोर ब्रेन के बाद सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो होता है मिड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मेसेंसेफेलम। मिड ब्रेन किस और किसके बीच में आता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। मिड ब्रेन के बीचों बीच एक कैनाल पास होती है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। वैसे मिड ब्रेन फोर राउंड लोब्स का बना होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। मिड ब्रेन और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना के रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मैच द फॉलोइंग में। इनका जो इंटीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का वो सेंटर है विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सेंटर है ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। बस हमें इतना जानना है। फिर आ जाता है थर्ड पार्ट ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन या रोम्बेंसेफेलम। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम में आपके पास आता है तीन पार्ट, मिड ब्रेन,
पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम इसके अंदर नहीं आता। तो सेरिबेलम देख लेते हैं क्या होता है। सेरिबेलम को लिटिल सेरिब्रम बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस भी कॉन्वुलेटेड होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक्यूमुलेट करता है, मस्क्यूलर एक्टिविटी और बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। इक्विलिब्रियम और सेरिबेलम के रिलेशन से भी कई बार क्वेश्चन आता है। फिर देख लेते हैं पोन्स के फंक्शन के बारे में। तो पोन्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन में आपको याद रखना है दैट इट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, इस लाइन से कई बार क्वेश्चन आता है। उसके सिवा पोन्स आई और ईयर की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है और रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात कर लेते हैं तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है, जैसे रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस, सेलाइवेशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, पेरिस्टाइलिस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। फिर बात कर लेते हैं हम ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड भी आपके सीएनएस का पार्ट बनाता है। वर्टिब्रल कॉलम के पास एक स्पाइनल कैनाल होती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसको भी मेनिंजस की कवरिंग मिल रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के आउटर में वाइट मैटर ज़्यादा होता है और इनर में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जस्ट अपोजिट टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, टू कंडक्ट द इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और ये सेंटर है सब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का। अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनका सेंटर भी स्पाइनल कॉर्ड ही बनाता है। सीएनएस के बाद जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम में वो होता है पीएनएस, जिसे हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आपकी सारी नर्व फाइबर्स आ जाएंगी जैसे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। पीएनएस भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास होते हैं एफरेंट या सेंसरी फाइबर्स, दूसरे आते हैं इफरेंट या मोटर फाइबर्स। जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जाते हैं, और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो इम्पल्स को सीएनएस से वापस आपके मसल्स और आपके ग्लैंड्स तक लेकर आते हैं। पीएनएस को हम दो डिवीजन में पढ़ते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इम्पल्स को टू एंड फ्रो करता है सीएनएस और स्केलेटल मसल के बीच में, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा वो इम्पल्सेस को किसके बीच में लेके जाएगा, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास या फिर स्मूथ मसल्स के पास। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम की अगर आप बात करोगे, ये फर्दर दो तरीके की नर्व्स या नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस और डेंजर के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे एक्शंस करेगा जैसे कि हार्ट बीट बढ़ा देना, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देना, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देना, बीपी को बढ़ा देना, ये सब। वहीं अगर आप पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करो तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद वापस रेस्टिंग स्टेट में लेकर आने का काम करता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जस्ट अपोजिट है, ये हार्ट बीट को स्लो कर देगा, आर्टरीज को डायलेट कर देगा और बीपी को भी नॉर्मल कर देता है। एक और नर्वस सिस्टम आता है एसएनएस और पीएसएनएस के सिवा, जिसे आप बोलते हो विसरल नर्वस सिस्टम, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस आते हैं जो कि इंपल्स को टू एंड फ्रो करते हैं सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स की तरफ, सीएनएस टू विसरा एंड विसरा टू सीएनएस, दोनों हम पढ़ते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद जिस फिनोमिना के बारे में हमें पढ़ना है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो सारे रैपिड एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और अनकॉन्शियस एक्शन जो हमारे बॉडी के हैं इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, वो किस में आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए क्योंकि एग्जांपल से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करने पर हैंड को फटाफट वापस खींच लेना, जैसे अगर आप एक नर्सिंग बेबी जो अभी मदर मिल्क ले रहा है उसके लिप्स को टच करोगे तो वो तुरंत सकिंग रिफ्लेक्स शो करेगा। आपकी आंखों पर अगर हम लाइट डालें तो आपकी आईलिड्स तुरंत क्लोज हो जाती हैं, नी जर्क फिनोमेना इसके अंदर आ जाता है। आप रिफ्लेक्स एक्शन की जब बात करते हो तो दो तरीके के रिफ्लेक्स होते हैं, एक कंडीशन रिफ्लेक्स होते हैं, एक नॉन कंडीशन रिफ्लेक्स होते हैं। नॉन कंडीशन रिफ्लेक्स वो होते हैं जो आपने सीखे नहीं होते हैं बट अपने आप हो रहे होते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स वो होते हैं जो दो बार के बाद आपको सीखने से आ गए होते हैं। जैसे अगर एक चाइल्ड ऐसे फूड को देखेगा या स्मेल करेगा जो उसने पहले कभी नहीं खाया है तो वो सलाइवेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फूड उसने पहले खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है और वो फिर से उसको स्मेल करेगा तो वो सलाइवेट करेगा। इसे हम कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं।
अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे की बात करो तो उसे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आँख के अंदर। रिफ्लेक्स आँख के अंदर आप देखोगे इंक्लूडेड है एक रिसेप्टर ऑर्गन जो स्टिमुली को रिसीव करता है। फिर आते हैं एक सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंपल्स को लेके जाता है सेंस ऑर्गन से CNS के पास जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है। वहां पर एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। फिर एक मोटर न्यूरॉन है जो कि इफरेंट न्यूरॉन है, एफेक्टर या फिर एक्साइटर न्यूरॉन है, वो इंपल्स को लेके जाती है CNS से आपकी एफेक्टर ऑर्गन के पास। एफेक्टर ऑर्गन आपका मसल है और वो उसके अकॉर्डिंग आपके इंपल्स के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड शो करता है जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको शो किया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन जानने के बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसमें आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं और इन्फॉर्मेशन किसको दे देते हैं, CNS को दे देते हैं। इसमें आपके आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन आ जाते हैं। शुरुआत कर रहे हैं किससे, आई से। तो आई हमारी कहाँ लोकेटेड है, इन द सॉकेट्स ऑफ द स्कल जिन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं। आई बॉल स्फेरिकल होती है, तीन लेयर्स होते हैं स्लेरा, कोरोइड और रेटिना। शुरुआत करते हैं किससे, स्लेरा से। तो स्लेरा सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इंटीरियर में जाकर वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कॉर्निया बनाती है जो कि आपका नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। सेकेंड लेयर आपके पास आती है कोरोइड। स्लेरा में ब्लड सप्लाई नहीं है लेकिन कोरोइड फुल ऑन ब्लू कलर की होती है क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। कोरोइड भी पोस्टीरियर पार्ट पर थिन होती है पर एंटीरियर पार्ट पर आकर थिक हो जाती है और वहां पर सिलियरी बॉडी बनाती है। सिलियरी बॉडी फर्दर अगर आपका पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आप आयरिस बोलते हो। आयरिस ही आई को कलर देता है, जो लोगों की अलग अलग कलर होती है आईज में वो आयरिस की वजह से होती है। आयरिस की सेंट्रल ओपनिंग होती है, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल का जो डायमीटर है वो आयरिस की फाइबर मसल्स ही रेगुलेट करती हैं और ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट आपके लेंस तक जाएगी। जो आपकी आईबॉल है उसमें एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है जिसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करने का काम होता है कुछ लिगामेंट्स का जो कि अटैच्ड होते हैं आपकी सिलियरी बॉडी से। थर्ड लेयर आती है आपके पास रेटिना। रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसके अंदर थ्री लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। इनर से आउटर की तरफ अगर आप बात करोगे तो हम इनको याद करते हैं GBP से। तो यहाँ पर आपके पास आते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स और फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स दो तरीके के हैं, रोड्स और कॉन्स। क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स, फोटो पिगमेंट्स इनके पास होते हैं इसलिए हम इन्हें फोटोरिसेप्टर सेल बोलते हैं। यहाँ पर आपको जो रोड सेल्स हैं उनके फोटो पिगमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उसमें एक ऑप्सिन, एक प्रोटीन होता है और एक रेटिनल होता है विच इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो एक विटामिन ए का डेरिवेटिव आपको रोड्स में मिलता है और इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन फॉर्म होता है। कॉर्न सेल्स और रोड सेल्स को बेटा अगर हम अलग अलग तरीके से देखें तो कॉर्न सेल्स का क्या काम होता है, ये आपको डे लाइट विजन देते हैं, कलर विजन देते हैं। तीन तरीके के कॉर्न्स होते हैं जो कि आपको रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स में देखने में मदद करते हैं। इन सब का सेंसेशन अलग अलग होता है और ये इन सब कॉर्न्स के कॉम्बिनेशन से और इनके फोटो पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से आपको डिफरेंट कलर दिखते हैं। अगर सारे के सारे कॉर्न्स एक साथ स्टिमुलेट हो गए तो फिर व्हाइट लाइट आपको दिखाई देती है। फिर अगर मैं बात करूँ रोड सेल्स की तो वो कौन सेल से जस्ट अपोजिट है, वो ट्विलाइट विजन देंगे, स्कोटोपिक विजन देंगे या फिर आप कह सकते हो डार्क में विजन प्रोवाइड करते हैं। इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि आपका रोडोप्सिन है, विजुअल पर्पल। ये पर्पल रेड कलर का प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए वाली लाइन से आपको कई बार क्वेश्चन मिलता है कौन सेल्स में जो आपको पिगमेंट मिलता है वो आयोडोप्सिन होता है और रोड सेल में आपको रोडोप्सिन मिलता है, ठीक है। उसके सिवा कुछ और पॉइंट्स होते हैं आपकी आई में। आई बोल के पोस्टीरियर पोल पे थोड़ा सा ऊपर, उससे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है एक रीजन जिस रीजन से ऑप्टिक नर्व्स आई से बाहर जाती हैं और ब्लड वेसल्स अंदर एंटर करती हैं। इस एरिया में फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, और इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा लेटरल पे प्रेजेंट होता है एक येलो पिगमेंटेड स्पॉट जिसे कहते हैं मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया के सेंटर में बहुत सारे कॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। उस सेंटर को आप क्या बोलते हो, सेंट्रल पिट या फोबिया बोलते हो। ये थिन पोर्शन है रेटिना का जिसमें बहुत सारे कॉर्न्स हैं और बहुत सारे कॉर्न्स हैं इसकी वजह से इसकी विजुअल एक्विटी या रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है जो कि थिन है और वॉटरी है। लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है बेटा उसे हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं जिसमें विट्रस ह्यूमर होता है और वो एक ट्रांसपेरेंट जेल की फॉर्म में होता है। मैकेनिज्म ऑफ विजन देख लेते हैं। तो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से आएगी
आई को एंटर करेगी, पहले कॉर्निया को एंटर करेगी, लेंस को एंटर करेगी और फोकस होगी कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे एक इमेज बनेगी, तो रेटिना पे जो रेटिनल है वो ऑप्सिन से सेपरेट हो जाएगा रोड सेल्स के अंदर। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो इम्पल्स को जेनरेट करता है आपके रोड्स और कॉर्न सेल्स में। ये एक्शन पोटेंशियल फिर जेनरेट होते हैं आपके फोटोरिसेप्टर सेल से पहले बाइपोलर सेल में, बाइपोलर सेल से गैंग्लियोनिक सेल्स में, गैंग्लियोनिक सेल से फिर ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, ब्रेन में कहाँ, विजुअल कॉर्टेक्स में, ताकि जो इम्पल्स आया है उसको एनालाइज किया जा सके, इमेज को पहचाना जा सके अर्लियर मेमोरी के बेसिस पे और आपको विजन हो या आप कोई चीज देख पाए। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन जिसकी हम बात करते हैं वो है ईयर। ईयर को हम बोलते हैं स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, क्योंकि ना ही सिर्फ ये सुनने में मदद करता है, बॉडी के बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर गिवन है। ईयर आपका हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों प्रोवाइड करता है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर से शुरू करते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर में आपके पास पिन्ना आ जाएगा और ऑडिटरी मीटर्स आ जाएगी जिसे आप ईयर कैनाल कहते हैं। उसके सिवा जो ईयर केनाल है उसमें सेरुमिनस ग्लैंड है जो कि ईयर वैक्स या फिर सेरुमेन बना रहा है, जो एक तरीके का सेबेशियस ग्लैंड है। वहां पर आपको वैक्स और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। ईयर केनाल एंड करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जिसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, स्किन की थिन लेयर की बनी हुई है और इसके आउटर सरफेस पे स्किन की थिन लेयर है और इनर सरफेस पे म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर आपका मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है जिसमें टिम्पेनिक कैविटी आती है और ईयर ऑसिकल्स आती हैं। ईयर ऑसिकल्स आपकी ईयर बोन है। टिम्पेनिक कैविटी एक एयर फिल्ड कैविटी है जो कि एक्सटर्नल और इनर पोर्शन को सेपरेट करती है। मिडिल कैविटी के अंदर ही आपकी ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन कैनाल आती है जो कि मिडिल ईयर को फेरिंग से ज्वाइन करती है और इसका काम होता है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेप्स, जिनकी अलग अलग शेप होती है, जिसे आप पढ़ते हो हैमर, एनविल और स्टिरप शेप की होती है। तो जो आपका मैलस बोन होती है वो टिम्पेनम से अटैच्ड होती है। जो स्टेपिस होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्दर वो अटैच्ड होती है ओवल विंडो से, इस चीज़ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे फेनेस्ट्रा ओवलिस भी बोलते हैं। ऑप्शन में आपको फेनेस्ट्रा ओवलिस भी मिल सकता है और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर दो, एक लैबिरिंथ है, फ्लूइड फिल्ड लैबिरिंथ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो दो लैबिरिंथ है, बोनी लैबिरिंथ है और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। बोनी लैबिरिंथ एक कैविटी है जो जिसमें क्या फिल्ड होता है, पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में क्या फिल्ड होता है, एंडोलिम्फ। आपके इनर ईयर में एक कोइल्ड पोर्शन आता है जिसे आप बोलते हो कोक्लिया, और उसके सिवा एक वेस्टिब्यूलर अपैरेटस होता है जो कि बैलेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। कोक्लिया की अगर हम बात करें तो कोक्लिया एक कोइल्ड पोर्शन है, इसमें तीन कैनाल्स आती हैं, अब ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई, मिडिल में स्केला मीडिया और लोअर में स्केला टिम्पेना। जो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई है उनमें पेरिलिम्फ होता है और जो स्केला मीडिया है उसमें एंडोलिम्फ होता है। जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया है इनको सेपरेट करती है एक मेम्ब्रेन जिसे आप रीजनल मेम्ब्रेन बोलते हो, और स्केला मीडिया और टिम्पेनाई को सेपरेट करती है बेसिलर मेम्ब्रेन। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पे स्केला मीडिया के अंदर रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि है ऑर्गन ऑफ कोटाई, जिनमें सेंसरी हेयर सेल्स हैं जिन्हें आप स्टीरोसीलिया बोलते हो। यही आपकी इंपल्स को लेते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं। इनके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिससे इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन के अंदर जाती है। कोक्लिया के सिवा एक और पोर्शन इनर ईयर में प्रेजेंट होता है जिसे हम वेस्टिब्यूलर अपैरेटस कहते हैं। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस थ्री सेमी सर्कुलर केनाल और एक ऑटोलिथ ऑर्गन का बना होता है। ये तीनों सेमी सर्कुलर केनाल्स एक दूसरे से राइट एंगल पर होती हैं, दो वर्टिकल होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है। इन सबके एंड में एक बल्जिंग पोर्शन होता है जिन्हें हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला के अंदर क्रिस्टा एम्प्यूलरिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सीलिया के सेल्स प्रेजेंट है क्रिस्टा के, जो कि ग्रुप टुगेदर कर एक बंडल बनाते हैं। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑटोलिथ ऑर्गन की अगर आप बात करते हो उसमें यूट्रिकल और सैक्यूल आते हैं। यूट्रिकल और सैक्यूल में रिज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम मैक्यूला कहते हैं। तो ये क्रिस्टा और ये मैक्यूला, ये दोनों ही आपके रिसेप्टर्स हैं किसके, वेस्टिबुलर अपैरेटस के। इनके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स हैं जो ट्रिगर होने पर आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये यूट्रिकल और सेक्यूल ही मेंटेन करते हैं।
यूट्रिकल और सैक्यूल मिलकर मैक्यूला बना रहे हैं, मैक्यूला और क्रिस्टा मिलकर आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर मेंटेन करते हैं। फाइनली देख लीजिए हेयरिंग का मैकेनिज्म, तो सारी साउंड वेव्स को ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, वो आपकी ऑडिटरी मीटर से पास करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने के बाद वो साउंड वाइब्रेशन जाती है ईयर ऑसिकल्स में, फाइनली स्टेप्स उसको ओपन करती है ओवल विंडो से जो कि जाती है आपकी वेस्टिब्यूलर कैनाल के पेरिलिम्फ में, वो वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन से स्केला टिम्पेनाई वाइब्रेट करती है और बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करता है। बेसिलर मेम्ब्रेन पर हेयर एंडिंग है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, उस वाइब्रेशन से वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो वो सेंसरी हेयर सेल्स में नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है, ऑडिट्री नर्व फिर उस इम्पल्स को कैरी करती है ऑडिट्री सेंटर ऑफ ब्रेन में और आप किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। हियरिंग के बाद और सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाता है नोज यानी कि ऑल्फेक्शन, तो वो ऑर्गन हमारे लिए ऑल्फेक्शन के लिए है, स्मेल करने के लिए है, वहां पर जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम ऑल्फेक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम के बने हुए हैं, ये सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करते हैं। इनमें तीन तरीके के सेल्स आपके पास आते हैं, तो जो न्यूरोन है ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम के वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पर, ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन में जिसको आप बोलते हो ऑल्फेक्टरी बल्ब। तो नोज के अंदर भी बस ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम है जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी ब्रेन को देगा, वैसे ही टंग है, टंग गेस्टेशन यानी कि टेस्ट के लिए प्रेजेंट है, चार अलग अलग टेस्ट होते हैं स्वीट सॉल्ट सॉर और बिटर, ये जो टेस्ट बर्ड है ये गस्टेटो रिसेप्टर है, इनके पास सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, ये टेस्ट पेपिले आपकी टंग पर प्रेजेंट होते हैं। नोज और टंग दोनों कीमोरिसेप्टर है, डिसॉल्व्ड केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट और स्मेल के जो सेंसेस है फंक्शनली बिल्कुल सिमिलर है और इंटर रिलेटेड है, दोनों ही कीमोरिसेप्टर्स दोनों के पास प्रेजेंट है। ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन इन डिफरेंट इनपुट को जो टेस्ट बर्ड्स के लिए आया है उनको इंटीग्रेट करता है और हमें हर फ्लेवर पहचानने में मदद करता है। उसके सिवा कुछ रिसेप्टर्स हमारी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्यूटेनियस रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है और स्किन पर प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर्स हीट कोल्ड टच पेन और प्रेशर हर चीज को रिसीव करने में हमारी मदद करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रिवाइज कर ली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिविजन के साथ, थैंक यू सो मच।